वेलकम बैक टू मालवीय कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं एडजस्टिंग नलिंग टूल का। इसके प्रीवियस पार्ट के ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दो पार्ट प्रीवियस वीडियो में क्रिएट कर लिए हैं, अब ये थर्ड पार्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो प्लेन जो था, यहाँ पर देखिए ये प्लेन जो है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर थ्रेड क्रिएट करने हैं। डिज़ाइन पूरी यही रहने वाली है, इसके सारे डायमेंशन वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो आपको क्या करना है, जो होल वाला फीचर है इसे एडिट करना है। एडिट में जाना है, इस फीचर को एडिट करना है। एडिट में जाके यहाँ पर देखिए ये सिंपल होल यहाँ पे सिलेक्टेड है, स्टैंडर्ड यहाँ पे अनसीमेट्रिक, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पर इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखना है। फिर यहाँ पर देखिए ड्रिल साइज, तो ड्रिल साइज की जगह हमें सिलेक्ट करना है टैब ड्रिल। टैब ड्रिल में यहाँ पर देखिए टैब ड्रिल में आपको सिलेक्ट करना है 12 बाय 1.75। इसकी ड्रिल की साइज हमें सिलेक्ट करनी है, फिर थ्रू होल और फिर ओके कर देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में जाना है, फिर यहाँ पर देखिए थ्रेड वाले फीचर को एक्टिवेट करना है। थ्रेड वाले फीचर को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखिए थ्रेड लोकेशन, तो हमें थ्रेड लोकेशन में इस वाले होल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए इस फेस यहाँ पे इसके अंदर हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी साइज है, तो यहाँ पे ब्लाइंड 28 mm इसकी लेंथ रहेगी थ्रेड की। फिर यहाँ पर मैट्रिक टैप में 12 बाय 1.75 इस mm के टैप को हमें सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर ऑफसेट करना है, यहाँ पे देखिए थ्रेड यहाँ से थोड़े बाहर की साइड में हमें अप्लाई करने हैं, तो ऑफसेट हम रखेंगे 3 mm रिवर्स साइड। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मेंटेन थ्रेड लेंथ, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, टिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। राइट हैंड साइड थ्रेड रहेंगे ये, तो इस तरह से देखिए इसमें थ्रेड अप्लाई कर दिए। तो सेव वाले देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सेव नहीं करना है, यहाँ पे सेव एज करेंगे। फिर हमारी जो फाइल है जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है वहाँ पे देखिए पार्ट टू, तो पार्ट टू की जगह यहाँ पे पार्ट थ्री कर देंगे और सेव कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पार्ट थ्री भी हमने क्रिएट कर लिया है। इसके सारे डायमेंशन और ड्राइंग सेम टू सेम रहने वाला है, इसमें सिर्फ थ्रेड ही हमने चेंज किए, यहाँ पे थ्रेड अप्लाई किए, उसमें प्लेन होल था। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।